नमस्कार दोस्तों, जब भी आप INDMoney मनी एप्लीकेशन को यूज करते होंगे तो दोस्तों उसका यूजर इंटरफेस अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले दोस्तों काफी ज्यादा आसान था, लेकिन आजकल जो चीजें हैं वो कुछ हद तक काफी चीजें इधर हो चुकी हैं, काफी चीजें उधर हो चुकी हैं, तो आजकल हमें कुछ उसका इंटरफेस समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि INDMoney मनी एप्लीकेशन को किस तरीके से जीरो से लेकर के शुरू करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग INDMoney मनी एप्लीकेशन को इसलिए यूज करते हैं ताकि उनको US स्टॉक मार्केट में उनके पैसे लग पाए, यानी कि वे काफी सारे लोग इसलिए INDMoney मनी एप्लीकेशन को यूज करते हैं ताकि वे US के स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगा पाए। क्योंकि एज आपको अगर देखना है तो दोस्तों वहां की जो कंपनीज है बेटर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू इंडिया, और वहां की जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो US स्टॉक मार्केट दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ देता है, और सबसे अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों US स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, उसका नाम है INDMoney मनी एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री टू यूज है, आप इसको यूज कर सकते हैं US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट ट्यूटोरियल की किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कैसे कैसे चीजों को समझना और बेसिकली इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एकदम न्यू वे से हम सीखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको INDMoney मनी एप्लीकेशन ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। अब क्योंकि ये दोस्तों मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना लगाया हुआ है, तो इस वजह से दोस्तों मेरे को ये ऐसा दिखा रहा है। अब क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप अपने इसमें सिंपली पासवर्ड टैप करेंगे, जैसे कि मेरा पासवर्ड ये है तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। अब जैसे दोस्तों वेबसाइट थोड़ी सी लोड लेती है, यानी कि दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो हमारा थोड़ा सा लोड लेता है, ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कनेक्शन पर, आपका नेटवर्क कनेक्शन किस तरीके का है उस पर ये डिपेंड करता है। अब दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करोगे तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे चीजें दोस्तों ऐड हुई हैं, काफी सारी चीजें यहाँ से दोस्तों हटा दी गई हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये INDMoney का स्टॉक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद US के स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आप अपना पैसा लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हो गए, क्योंकि दोस्तों उसको सबसे ज्यादा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा जो पैसा है वो हम इस वाले अकाउंट में अपना डालते हैं, यानी कि US स्टॉक्स में हम इसमें पैसा जो है इसमें लगाते हैं, इसके कारण दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन को हम ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आओगे, ये सब काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसके बारे में भी डिटेल से हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद दोस्तों आप ना एक काम करें, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे आप, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये इंडियन स्टॉक मार्केट पहले ऐड नहीं था, अब क्योंकि इन्होंने हाल ही में यही इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इसमें ऐड किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का दोस्तों जो ग्राफ है, सेंसेक्स का जो ग्राफ है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आएंगे और बैंक निफ्टी का आपको ग्राफ दिख जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के ग्राफ देखने के बाद में दोस्तों आपको जो निफ्टी 100 है ये भी दिख जाएंगे, और काफ़ी सारे दोस्तों तमाम तरीके के ऐसे ही आपको इंडिकेट्स यहाँ पे जानने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे कुछ जो ट्रेंडिंग में स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट है ये, उसके यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यानी कि जो माई स्टॉक वाला है ऑप्शन, इस पर जैसे दोस्तों आप टैप करेंगे, इसमें क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे जब अपने पैसे ऐड कर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों पैसे ऐड करने का तरीका मैंने इस वाली वीडियो में बताया, तो आप इस वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों जैसे ही आप अपने पैसे को ऐड कर देंगे, पैसे ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, यानी कि आपके इसमें दो अकाउंट्स बन जाएंगे, एक तो होगा दोस्तों आपका जो US स्टॉक मार्केट है, सेकंड होगा दोस्तों जो कि आपका इंडियन स्टॉक मार्केट होगा, और उसी के अनुसार दोस्तों आप यहां से भी अब जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा पाओगे और वहां से पैसा अपना कमा पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे को यह वाला स्टॉक्स यहां पर खरीदना है, तो जैसे ही दोस्तों सिंपल से मैं उस पर टैप करूंगा, उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा, जहां पर मुझे बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज, ठीक है। इसका जो लोवेस्ट है वो 94 रुपीज है, और इसका जो डे हाई है यानी कि आज का जो उसका हाई है वो यहाँ पर 101 रुपये रहा है, और जो उसका मार्केट कैपिटल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसको इस कंपनी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पर भी इसके स्क्रोल डाउन करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस सामने शो होंगे, जैसे कि इनके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, न्यूज़ जो है इनकी दोस्तों आती रहती है, और टेक्निकल दोस्तों इंडिकेट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर जैसे टैप करता हूँ, तो उसके बाद दोस्तों मेरे को काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 मंथ के रिटर्न्स और काफी सारे इतने अच्छे खासे यहाँ से दोस्तों जो भी डाटा होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और आप इसके अनुसार दोस्तों आप इसमें पैसे लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगाना चाहते, इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है जिसको दोस्तों एनालिस्ट रेटिंग बोलते हैं। इसके अनुसार दोस्तों आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग इसमें बाय कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मेरे को दिखा रहा है कि वो अभी 100% लोग इसको बाय करने में लगे हुए हैं, तो कोई भी जो है अभी इसमें ना तो सेल करने के मूड में है और ना ही होल्ड करने के मूड में है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बाय कर
कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे उसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेके जाके पढ़ सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन क्या है, कितने इनकी वैल्यूएशन है, इनकी पीवी रेशियो क्या है, इनका पीईजी क्या है, ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और बाय चांस दोस्तों अगर इसको आप किसी दूसरी कंपनी से ऐसे कंपेयर करना चाहते हैं तो जो कंपेयर वाला ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना है ऐसे करके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास में पीयर कंपैरिजन आ जाएंगे जो कि दूसरी कंपनी के साथ में ये कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालाइज कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, और उनका स्टॉक मार्केट मुझे अच्छा लगा, यानी कि जो इनकी कंपनी है मुझे अच्छी लगी और मैं इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों मैं इनके बाय वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ, तो दोस्तों जैसे मैं बाय वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूंगा कि मेरे को कितने शेयर चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक शेयर चाहिए तो उसकी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज यहाँ पे मुझे बता देगा कि 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे जो है एक शेयर यहाँ पे मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये अकाउंट हमें क्या करता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग का भी ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, आपको पता है कि जो भी आप शेयर खरीदते हैं आपको उसी टाइम बेचना होता है, वो यानी कि उस एक दिन के अंदर अंदर आपको शेयर जो है वो बेचना पड़ता है। इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों जैसे आप एक शेयर यहाँ पर खरीद लेंगे जैसे कि 100 रुपीज़ का है, और चाहे आपका इसमें दोस्तों फ़ायदा हो, यानी कि या तो दोस्तों आपका पैसा जो है इसमें अप जाए या फिर आपका पैसा इसमें डाउन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आपका आज की लिमिट है यानी कि इस वाली ऑर्डर की लिमिट है उसमें ही आपको इसको बेचना पड़ेगा, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज 19 तारीख है तो आपको 19 तारीख को ही वो चीज़ खरीदनी है और 19 तारीख को ही वो भी चीज़ बेच देनी है, तो इसी को दोस्तों ये शेयर मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाते हैं। अभी तो हो गई दोस्तों हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर आए थे किस लिए, हम तो यहाँ पर आए थे यूएस स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए, यूएस स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरीके की इंटरफेस ये दिखा रहा है, वह इन्वेस्ट के, सेविंग के और डैशबोर्ड का और काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट के ऑप्शन भी दिखा रहा है ये, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे अपने ना इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे सिंपल से। दोस्तों जैसे हम अपने डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे उसके बाद ना हमारे सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस सामने शो होगा। अब ये दोस्तों हमें दिखा रहा है 10,000 यानी कि जो हमारे 10,000 रुपये हैं वो हमारे टोटल एसेट्स हैं, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें यूएस स्टॉक मार्केट में पहले से ही कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हुए। तो मैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाएंगे। सो दोस्तों जैसे आप डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे ना इस वाले पे, ठीक है, आपको दिखा रहा होगा ये, जैसे दोस्तों ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है इस पर जैसे दोस्तों आप टैप कर देंगे उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने जो होगा ये वाला यूएस स्टॉक मार्केट, जो कि दोस्तों ये लिखा हुआ भी है सामने। आप जैसे दोस्तों इस पर टैप कर देंगे ये उसके बाद दोस्तों आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ये ले जाएगा, यानी कि ये यूएस स्टॉक वाला सेक्शन है उसमें ये लेके चले जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है दोस्तों कि हमने टोटल इसमें इतने रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि दोस्तों ये है कि हमने जो इसमें पैसे ऐड किए थे वो हमने टोटल मिला करके यहाँ पे $117 यहाँ पे ऐड किए थे, जिसकी वजह से दोस्तों हमें जो हमारा लाभ है यानी कि जो हमारा फायदा है, जो हमारा बेनिफिट्स है, वो हमें दोस्तों $6.75 का हमें यहाँ पे फायदा हुआ है ओवरऑल अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जानना है कि आप किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे अपने पैसे को और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, देखो जैसे आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर लेके आ ही जाएगा। सो उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और काफ़ी सारे दोस्तों आपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई अपनी, ठीक है। वॉच लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों सिंपल से करना कुछ नहीं होता, जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला स्टॉक कोई पसंद आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये कोई स्टॉक है, ठीक है, और मुझे ये पसंद गया और मुझे इसको वॉच लिस्ट में अपनी जोड़ना है, तो वॉच लिस्ट में जोड़ने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे टैप वाले ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों किसी भी ऑप्शन को मैं टैप कर सकता हूँ और अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकता हूँ। तो हो गए दोस्तों हमारे एक्सप्लोर वाले सेक्शन पे। अब हम देखेंगे कैसे कि हमारे जो स्टॉक मार्केट में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो पता किस चलेगा, हम दोस्तों यहाँ पे टैप करेंगे माई स्टॉक ऑप्शन पर और हम दोस्तों यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे खरीद रखे हैं, यानी कि दोस्तों जो मैंने यहाँ पे स्टॉक्स में अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो इन दो स्टॉक्स में अपने पैसे लगाए हुए हैं, एक तो NVRINC जो कि रियल इस्टेट रिलेटेड कंपनीज है, मैंने उसमें अपने पैसे लगाए हुए हैं, और दोस्तों यह सेकंड जो कि कोको कोला कंपनी है, आप इसको दोनों को अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं मेरे यहाँ पे $7.4 का मुझे यहाँ पे फायदा हुआ है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 20 सेंट्स यहाँ पे डाउन जा चुका है, लेकिन इसमें दोस्तों हमें कोई फायदा नहीं होता, इसमें जो है हमें डिविडेंस के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे डिविडेंस मिल जाएगा, ये तो हमारा कोई भी मुनाफा यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना कैसे पड़ेंगे अपने पैसे, फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको ना शुरू से करके दिखाता हूँ, ये तो मेरा यूएस स्टॉक वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे दोस्तों कोई भी कंपनी को चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेपाल को चूज़ कर लेते हैं।
सो पेपाल को चूज़ करने के बाद में दोस्तों आपको इसके काफ़ी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे चेक हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो प्राइस है वो कितनी है, यानी कि $61 का ये एक शेयर आपको दे रहे हैं। और इसका दोस्तों आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, आप ना इसमें फ्रैक्शंस में शेयर खरीद सकते हैं। फ्रैक्शंस में दोस्तों आपको शेयर खरीदने का यहाँ पे मौका मिल जाता है US स्टॉक मार्केट में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि आपके बारे में कौन कौन सी और ज़्यादा डिटेल ये जानना चाहते हैं, यानी कि आप इनके बारे में कौन कौन सी और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं। जैसे आप दोस्तों सीमोर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपके सामने फिर से जो हमने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया था ना, वही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों इनकी जो वन मंथ की रिटर्न है वो कितनी आ रही है ना, वन ईयर की कितनी आ रही है, या फिर प्रीवियस ईयर की इनकी जो क्लोज थी वो कितनी है, पूरा इनका मार्केट कैपिटल कितना है। यहाँ पे आप दोस्तों इनके पूरे फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने एनालिस्ट रिकमेंडेशन आ जाएगा कि 75% इसको बाय करने की सोच रहे हैं और 24% दोस्तों इसको जो होल्ड करके रखे हुए हैं, और साथ ही साथ 0% इसको सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसको सेल आउट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप इनके नीचे वाले सेक्शन पर आएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा कि रिकमेंडेशन या ट्रेंड यहाँ पे चलाते हैं, तो देखते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, कितने परसेंट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पीयर कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं इनकी किसी और कंपनी के साथ में, अगर इनका पीयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पीयर कंपैरिजन आ जाएगा दोस्तों। ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और रेशियो के हिसाब से भी आप इनका पीयर रेशियो कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ। उसी के साथ दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि किन किन कंपनीज ने या फिर किन किन लोगों ने यहां पे अपने इनके पैसे लगाए हुए हैं, यानी कि इस स्टॉक में किन किन लोगों ने यहां पे पैसे लगाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों वैनगार्ड जो ग्रुप है, इन्होंने इसके कंपनी के 8.53% के शेयर्स ये इन्होंने खरीद रखे हैं। और इसके साथ दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे और ज्यादा यहां पे आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अब दोस्तों मैं यहां पे आपको बता रहा था कि अगर आपको ये जो है कंपैरिजन करना है तो आप इसके कंपैरिजन भी देख सकते हैं, और कंपनी के अबाउट सेक्शन के बारे में जाकर के आप अबाउट यहां से देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना लंबा जो आपका जो डिटेल है वो दे रखी है, तो जितनी लंबी दोस्तों डिटेल होगी इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी को समझने के लिए आपके ज़्यादा आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों इनके जो है ना एक मेन फैक्टर यहाँ पे आता है, इसको आप ख्याल से रखिएगा यहाँ पे, ये है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज, CEO और इंडस्ट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी है दोस्तों, पेपाल की, और इन्होंने दोस्तों जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो कितने इनके पास में एम्प्लॉयज हैं वो है दोस्तों ऑलमोस्ट 30,000। उसके बाद दोस्तों इनके CEO है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इनके CEO करंट CEO कौन है। और उसके बाद दोस्तों जो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज है, आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये जो है ना आप इतना ज़्यादा आपने कंपैरिजन किया और आपको ये खरीदना है तो खरीदेंगे दोस्तों कैसे आप, देखो यहाँ पे फिर से ये बाय वाला ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने कुछ इस तरीके का आ रहा है ये वाला, देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ये जो ये वाला जो दोस्तों बाय वाला ऑप्शन है ना ये वाला, आप इस पे दोस्तों टैप करेंगे, जैसे ही आप इस पे दोस्तों पहुंच जाएंगे इनकी रिड कर देगा ये फिर से आपको ऑटोमेटिकली जहां से आपको खरीदने पड़ेंगे। और फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो मैंने आपको यहां पे बताया था कि आप फ्रैक्शंस में भी अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं, तो फ्रैक्शन में जैसे कैसे खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे पास में $61 नहीं है तो मैं यहां पे खरीदना चाहता हूं $8 का, तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास में अभी बैलेंस नहीं है, ये लो बैलेंस मेरा दिखा रहा है, तो अगर मेरे पास में दोस्तों $8 होता यहां पे तो दोस्तों जैसे ही मैं यहां पे बाय प्लेस कर देता है, यानी कि प्लेस माय ऑर्डर पे जैसे ही मैं टैप कर देता तो मेरा जो ऑर्डर है दोस्तों प्लेस हो जाता और मेरे इस अकाउंट में, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बैक करता और अपने माई US स्टॉक वाले सेक्शन पे जाता इस वाले सेक्शन पे, तो मुझे दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक और पोर्टफोलियो में मेरा नज़र आ जाता है, यहाँ पे कोई सा भी दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना स्टॉक्स जो है यहाँ पे नज़र आ जाता जो भी मैंने पेपाल का खरीदा हुआ होगा। पर दोस्तों ये तो हो गया हमारे खरीदने के, अगर मुझे यहाँ पे बेचना है तो मैं किस तरीके से बेचूंगा, जैसे दोस्तों मुझे ये वाली कंपनी में मैंने शेयर मतलब इस वाली कंपनी में मैंने शेयर खरीदे हुए थे और मुझे इसको बेचना है, तो दोस्तों बेचने के लिए दोस्तों सिंपल आपको वही करना है, आप यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, अगर आप दोस्तों कंप्लीट इनके शेयर्स बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप करेंगे और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर टैप कर देंगे आपके सामने ये पूरा का पूरा जो है ना ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ, और आप यहाँ पर दोस्तों प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं और आपका जो है स्टॉक्स बिक जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में भी दोस्तों ये जो है ये वाला शेयर गायब हो जाएगा यहाँ से ना, ये वाला जो शेयर है ये आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाएगा और ये जो है आपका शेयर इस ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर टैप हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर खरीदा था तो मुझे बाय सक्सेसफुल यहाँ पर नजर आ रहा था, और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सेल आउट करता हूँ तो जैसे कि मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे सेल आउट भी किए हुए, तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेल आउट भी किए हुए तो यहाँ पे सेल ऑप्शन भी ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ और आपके जो ये वॉलेट है इस वाले वॉलेट में आपके पैसे यहाँ पे आ जाएंगे।
सो ये था दोस्तों इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप यूट्यूब पर सर्च करो ए के टी वी ब्रो, और दोस्तों उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो जाकर के, जैसे कि दोस्तों इस लड़के ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी फ्यूचरिस्टिक वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें एके टीवी ब्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।